आगरा में पीओपी कारीगर सतीश की हत्या का ताजगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में एक आरोपी ने कबूल किया है कि उसने ही कारीगर सतीश को चाकू मारा था, जिससे सतीश की मौत हो गई। 2 दिन पहले घर के पास हुई कारीगर सतीश की हत्या में शामिल चार आरोपियों को ताजगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आला कत्ल चाकू बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम कालू खान, अजहर, अमन खान और अजहर खान हैं। चारों के खिलाफ थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की है। पुलिस छानबीन के बाद कालू तक पहुंची। कालू से पूछताछ हुई तो कत्ल की ये कहानी सामने आई। कालू ने पुलिस को बताया कि घटना की रात उसका सतीश उर्फ सोनी से शराब पीने के दौरान विवाद हो गया था। सतीश उर्फ सोनी और उसके दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट में 2 लोगों के चोट लगी। थाना ताजगंज क्षेत्र में लच्छीपुरा में 15/1/2023 को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि बताया गया कि उनके भतीजे की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और बॉडी में स्टैब निशान मिले। इसके बाद पुलिस इस घटना के अनावरण में लग गई। पुलिस ने घटना स्थल के पास से सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए और फुटेज में वहाँ पे रात्रि में दो पक्षों के बीच में लड़ाई होता दिख रहा था, और उसी फुटेज में एक ऐसा फुटेज पुलिस के हाथ में लगा जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में चाकू भी दिख रहा था। और इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू की और लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम है कालू खान उर्फ सारिक, दूसरा अमन खां पुत्र हामिद, तीसरा अजहर खां पुत्र साहिद और चौथा अजहर खान पुत्र अब्दुल। इन 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो फुटेज था उसमें उस वक्त अमन के हाथ में चाकू दिख रहा था, और हमें कुछ ऐसे भी दस्तावेज बरामद हुए हैं इनके मोबाइल में, जिसमें कालू ने ये स्वीकार किया है कि झगड़ा जब हुआ था तो उसने अंधाधुन चाकू चलाया था, जिससे कि 2-3 लोगों को चाकू ये बोलता हुआ दिख रहा है कि लग गया। लेकिन चूंकि सभी लोग वहाँ नशे में थे तो अभी तक एक ही व्यक्ति को चाकू लगा हुआ पाया गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसा पूरी जांच में प्रतीत हो रहा है कि ये चाकू कालू ने चलाया है और ये सभी लोग वहाँ इसके साथ ही मौजूद थे, तो इन सभी के खिलाफ 34 धारा की IPC लगाकर इन सभी को न्यायालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। विवाद का मुख्य कारण वहाँ पे ये लोग सभी बैठ के शराब पी रहे थे और उसी शराब पीने के दौरान ये विवाद हुआ था।